हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मधुलिका रुहेला। स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुलिका रुहेला पर, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो है मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आई थिंक आपको ये पांचों टिप्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। माय फर्स्ट टिप इज रिलेटेड टू डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम मीटिंग में हो या हम सो रहे हो या कोई इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो, तो हम अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल देते हैं। सपोज उसी वक्त आपको कोई इमरजेंसी कॉल आ रहा हो और वो कॉलर आपको कॉल ही करता रह जाएगा, आपसे उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इस सेटिंग को ऑन रखते हैं तो उस वक्त अगर कॉलर दो टाइम से ज़्यादा आपको कॉल करता है तो आपके फ़ोन की रिंगटोन ऑन हो जाती है और आप उस पर्सन का कॉल रिसीव कर सकते हैं। तो उस सेटिंग को करने के लिए क्या करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर, यहाँ देखिए डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन आपके मोबाइल में किसी और नाम से भी हो सकता है। इस पर एक बार टैप करेंगे, यहाँ नीचे देखिए रिपीटेड कॉलर्स व्हेन इनेबल द सेकेंड इनकमिंग कॉल फ्रॉम द सेम कॉलर विद इन 3 मिनट्स विल नॉट बी म्यूटेड। तो अगर 3 मिनट के अंदर उसी कॉलर की सेम पर्सन की दूसरी टाइम कॉल आती है तो इसका मतलब है वो कॉल इम्पॉर्टेंट है और वो म्यूटेड नहीं रहेगी। तो इस ऑप्शन को आपको ऑन रखना चाहिए। अगर ये ऑफ है तो इसको आप एक बार टच करेंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। सेकेंड टिप मेरी उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो लोग अपना मोबाइल दूसरों को दे तो देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, मगर दिल में डरते रहते हैं कि कहीं ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना पढ़ ले या फोटोग्राफ्स ना देख ले या कोई ऐप ना स्टोर कर दे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना मोबाइल दूसरे को यूज़ करने भी दें बट वो आपके मोबाइल के अंदर कोई छेड़खानी ना कर पाए, तो आपको क्या करना चाहिए, इस सेटिंग को ऑन करना चाहिए। तो चलिए मैं पहले आपको सेटिंग के बारे में बता देती हूँ कि वो सेटिंग आप कैसे करेंगे। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स पर। इसके बाद आपको सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको मोर सेटिंग्स पर जाना होगा। मे बी आपके में एडिशनल सेटिंग्स करके आए, टच कर दीजिए। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी पर। जब आप यहाँ सिक्योरिटी पर जाते हो तो देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन पिनिंग। इसको टैप कर लीजिए और इस स्क्रीन पिनिंग को ऑन कर लीजिए। देखिए जब जैसे ही आप स्क्रीन पिनिंग को ऑन करते हो तो ये दो ऑप्शन ऑन हो जाते हैं, स्क्रीन पिनिंग रिक्वेस्ट अनलॉकिंग बिफोर अनपिनिंग स्क्रीन। इससे क्या होगा कि जो भी ऐप वो पर्सन यूज़ करना चाहता है, चाहे वो आपका इंटरनेट यूज़ करना चाहता है या वो आपके फ़ोटोग्राफ्स देखना चाहता है या वो कैलकुलेटर यूज़ करना चाहता है, सिर्फ आप उसको उसी का एक्सेसिबिलिटी देंगे और कुछ भी आपके मोबाइल में वो टच नहीं कर सकेगा। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से बैक आ जाते हैं। सपोज़ कि आप उसको कैलकुलेटर ही ज़्यादातर लोग मांगते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। तो अभी मैं इसे ओपन कर रही हूँ तो यहाँ अभी कुछ नहीं आ रहा है, बट अगर आपको इसे पिन करना है तो कैसे करना है, ये देखिए 3 लाइंस यहाँ आ रही हैं। इस बटन पर एक बार टच कर दीजिए और यहाँ ये देखिए एक पिन सा आ गया है यहाँ, इस पर एक बार टच कर दीजिए। स्क्रीन पिनिंग आफ्टर द स्क्रीन इज फिक्स्ड ओनली द इंटरफेस इज रिलेटेड टू दिस ऐप कैन बी डिस्प्लेड। टू कैंसिल द फिक्स स्क्रीन प्लीज प्रेस पावर की एंड द वॉल्यूम की एट द सेम टाइम। ओके कर देंगे, आप स्क्रीन पिन हो चुका है। अगर आप देखें मैं इसे मूव कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं इसे कैलकुलेटर को यूज़ कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये देखिए मैं हाथ चला रही हूँ, बहुत आपको पता नहीं चलेगा बट मैं इसे बहुत मूव कर रही हूँ बट ये कुछ नहीं हो पा रहा है। आप इसे जब ट्राई करेंगे तो आप देख पाएंगे, बट अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो वो क्या कर सकते हैं, या तो वो आपको लॉक करके ही देंगे, यहाँ से लॉक हो जाएगा। तो अगर वो यूज़र आपको लॉक करके देता है तो आप अनलॉक करेंगे, जैसे ही आप अनलॉक करेंगे वैसे ही आप वापस अपना यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल मोबाइल।
अनलॉक करते ही मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो गया था, इसीलिए वो वाला फुटेज कट हो गया था। तो आप जब करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसे अनलॉक करने के लिए और क्या कर सकते हैं आप, पावर की को और वॉल्यूम की को प्लस वाला जब आप इंक्रीज कर रहे होते हैं दोनों को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तब भी ये आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा, अनपिन हो जाएगा और नॉर्मल ही आप उसे यूज कर पाएंगे दोबारा से। माई थर्ड टिप इज टैप टू स्पीक। अगर आप चाहते हैं कि आप एक टैप करें और आपका मोबाइल आपके लिए मैसेजेस खुद ही पढ़ने लगे या जो भी स्क्रीन पर लिखा है वो खुद ही रीड करने लगे, तो आपको करनी चाहिए ये सेटिंग। तो चलिए बताती हूँ कैसे। जाना है सबसे पहले सेटिंग्स पर, देन मोर सेटिंग्स, हो सकता है आपकी में एडिशनल सेटिंग्स हो, देन एक्सेसिबिलिटी लास्ट में होगा बिल्कुल, देन ये देखिए स्क्रीन रीडर में सेलेक्ट टू स्पीक से टच कर लेंगे और इस पर ऑन कर देंगे। ओके करेंगे, वापस आएंगे, आपको ये देखिए एक आइकन दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन के बिल्कुल एंड में जिसमें एक पर्सन सा हाथ खोल के खड़ा है, आप उसे एक बार टच करेंगे। तो सुनिए, प्ले कर रही हूँ मैं। ऑनलाइन क्लासेस, चैनल ऐप, फाइंड डिवाइस, एंटरटेनमेंट, टूल्स, गूगल, फाइल मैनेजर एंड वीवो। देखा, तो इस तरीके से आप कहीं पर भी जहां टच करेंगे और प्ले करेंगे तो वो आपका जो भी ऐप है या जो भी मैसेज है उसको रीड करके बोल के आपको बता देगा। तो आई थिंक ये टिप आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। माय फोर्थ टिप इज SOS कॉल, सेव आवर सोल्स। ये एक इमरजेंसी सेटिंग होती है जिसमें अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहां आप किसी के सामने कॉल नहीं कर सकते, उसे बता नहीं सकते कि आप कॉल कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि आप किसी को फटाफट से कॉल कर दो और उन्हें बता दो कि आपकी लोकेशन क्या है या आप किसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हो जहां आपको हेल्प की नीड है, तब आप उस सिचुएशन में क्या सेटिंग करेंगे अपने मोबाइल में वो मैं आपको बता देती हूँ। सेटिंग्स पर जाना है, देन आपको मोर सेटिंग्स पर जाना है और ये SOS कॉल ये ऑफ है, इसको एक बार प्रेस करेंगे ऑन कर देंगे। ये देखिए, व्हेन यू एनकाउंटर एन इमरजेंसी यू कैन प्रेस द पावर बटन 3 times टू कॉल 112। मेरे मोबाइल में किसी और का नंबर स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है, बट आप जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें आप किसी भी अपने नियर वन डियर वन का मैसेज नंबर स्टोर कर सकते हो और कॉल सीधे उस पर्सन पे भी जाएगी और आपकी लोकेशन और आप किसी इस क्रिटिकल सिचुएशन में हो ये मैसेज उनके पास इमीडिएटली पहुंच जाएगा जब आप 3 times इसको प्रेस करते हो। तो ये आपकी सेटिंग हमेशा मोबाइल में ऑन रहनी चाहिए। आज की लास्ट और फिफ्थ टिप है मेरी व्हाट्सएप लवर्स के लिए, जो ये पता करना चाहते हैं कि जिन्हें वो मैसेज सेंड कर रहे हैं वो उनका मैसेज सच में रीड नहीं कर रहे हैं या उन्होंने ब्लू टिक ऑप्शन को ऑफ कर रखा है। तो चलिए पकड़ते हैं ऐसे लोगों को। हमें क्या करना होगा, पहले जाना है व्हाट्सएप पर, आप उस वाले नंबर पर जाइए जिसका भी आपको चेकिंग करनी है कि इनका व्हाट्सएप पर ब्लू टिक ऑन है या ऑफ है। अब जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोई भी मैसेज मेरा ब्लू टिक नहीं है, ओके, तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ। मैं भेज रही हूँ यहाँ पर हाय और इधर ये मैं रीड कर रही हूँ, हाय रीड कर लिया मैंने बट यहाँ पर ब्लू टिक नहीं आए हैं। दोबारा से हेलो भेज देती हूँ, नहीं आए हैं मेरे पास ब्लू टिक। अब मैं क्या करूँगी, वॉइस नोट भेजूंगी, हेलो हाउ आर यू, और मैं यहाँ से मैंने दूसरे फ़ोन की वॉल्यूम ऑफ कर रखी है, मैं इसे रीड कर रही हूँ, सुन रही हूँ मतलब। अब देखिए यहाँ पर ब्लू टिक आ गया, मैं दोबारा से मैसेज कर रही हूँ, ऑनलाइन दिख रहे हैं बट मैसेज मेरा वाइट ही है अगर आप देखो तो। तो आपको अगर पकड़ना है किसी को, किसी ने ये सेटिंग कर रखी है, तो आप उसे उसी वक्त जब वो ऑनलाइन है आप वॉइस नोट भेजिए और आप आराम से पकड़ सकते हैं। अगर वो वॉइस नोट उन्होंने सुना है तो इसका मतलब है कि उनकी वो सेटिंग
ऑन। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, और ऐसे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूं, तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, मिलती हूँ आपके साथ किसी और वीडियो में।